हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी है वो मार्केट वैल्यू से कम 25 से 30% नीचे मिलती है। आपको लीजिंग गारंटी मिलती है, आपको एश्योर्ड रेंटल मिलता है, आपको एडवांस रेंटल मिलता है और सबसे बढ़िया बात आपको एक ऐसा डेवलपर मिलता है जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है लीजिंग के मामले में, जिसने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को एक नहीं बल्कि कई बार लीज आउट किया है और जिस इन्वेस्टर ने उनके साथ इन्वेस्टमेंट की है उनके कमर्शियल प्रॉपर्टी में उसने उसमें बहुत ही ज़बरदस्त एप्रिसिएशन कमाया है। मैं बात करने जा रहा हूँ सेक्टर 62 में स्प्लेंडर एपिटोम के बारे में, जो के 4 एकड़ में फैला हुआ है। मेन जो आपका सेक्टर रोड है उस पर इसका बहुत ही बड़ा फ्रंट लगता है। इसमें आपको 3 टावर मिलते हैं, टावर ए, टावर बी, टावर सी। टावर सी जो है वो आपका एक सबसे छोटा टावर है, 300 साढ़े 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जो कि पूरे का पूरा जो प्लॉट है, पूरे का पूरा जो एरिया है स्टारबक्स को लीज आउट हो गया है। दिल्ली एनसीआर के अंदर ये स्टारबक्स का एक ड्राइव थ्रू आउटलेट बनेगा। जो टावर बी है वो आपका कंपेयर टू टावर ए काफ़ी छोटा है साइज़ में। इसमें आपको ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे रिटेल स्पेस मिलता है, उसके बाद आपको 3-4 फ्लोर का इसमें ऑफिस स्पेस मिलता है। टावर बी की कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अगले 2 से 2.5 साल के अंदर आपको इसका पोजीशन मिलेगा। इसमें भी आपके जो इन्वेस्टमेंट साइजेज हैं आपके 50-60 लाख से स्टार्ट हो जाता है, आपको वही इसमें 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें भी आपको निकल के आती है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जो कि मेन रोड फेसिंग हो, रेडी टू मूव इन कंडीशन में हो और जिसमें आपको लीजिंग की गारंटी हो और जहाँ पर ऑलरेडी टेनेंट आ चुके हैं, तो आई विल सजेस्ट के गो फॉर टावर ए। टावर ए की जहाँ तक बात करते हैं तो ये आपका 3 साइट ओपन आपको एरिया मिलता है। इसमें फ्रंट में आपको 84 मीटर वाइड रोड लगती है, साइड में एक तरफ आपको 24 मीटर रोड लगती है और एक तरफ आपको 12 मीटर की रोड लगती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर अगर आप देखोगे तो बहुत कम ही ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके पास इस तरह की ओपननेस है। बात करते हैं डेवलपर के बारे में। स्प्लेंडर के बारे में मार्केट के अंदर बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ जो हार्डकोर कमर्शियल इन्वेस्टर है उनको स्प्लेंडर के बारे में डेफिनेटली पता होगा, लेकिन जो आम इन्वेस्टर है जो रेजिडेंशियल में भी इन्वेस्टमेंट करता है, फिर जो कमर्शियल अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहा है, जो बस जिसने स्टम्बल किया है कि भाई ठीक है मैं एक बार देखता हूँ ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि स्प्लेंडर एक काफ़ी पुराना नाम है। 30 से 35 साल हो गए हैं इनको रियल स्टेट के अंदर। कैश रिच कंपनी है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने बनाए हैं उसमें बहुत ही कम माल इन्होंने बेचा है, 20 से 25-30% माल ही इनिशियली बेचते हैं, बाकी सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है अपने पास रखते हैं। तो कैश रिच है, ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई मार्केट में माल बेचना है तब पैसा आएगा तब बनाएंगे, उस तरह का नहीं है, कैश रिच कंपनी है। लीजिंग की अगर बात करते हैं तो स्प्लेंडर का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है लीजिंग के मामले में। गुड़गांव की मैं अगर बात करता हूँ तो सेक्टर 65 में स्प्लेंडर ट्रेड टावर करके एक इनका कमर्शियल टावर है, नीचे उसमें रिटेल है ऊपर ऑफिस स्पेस है। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जब लीजिंग स्टार्ट हुई थी तो एंटिटी डाटा करके एक काफ़ी बड़ा एमएनसी टेनेंट है, उसने यहाँ पर 2.25 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया लिया था। तो वो बिल्डिंग जो है वो स्प्लेंडर ग्रुप वालों की ही थी, वो टेनेंट उस बिल्डिंग में पूरे 9 साल करके गया है। जब वो बिल्डिंग खाली हुई तो सेम बिल्डिंग उन्होंने रिलायंस वालों को चढ़ा दी है। तो आप सोचिए जिस आदमी ने 9 साल पहले एंटिटी डाटा के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी थी तो 9 साल तक उसे रेंटल आया एंटिटी डाटा से और उसके बाद वही सेम स्पेस लीज आउट हो गया रिलायंस को। अब हो सकता है रिलायंस वहाँ पे 6 साल बैठे, 9 साल बैठे, 12 साल बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपर जो है वो लीजिंग को लेके काफ़ी सीरियस है। डेवलपर का सिनेरियो इस तरह से नहीं है कि मुझे साल में 4 प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, बल्कि उसका उल्टा ही है कि 4 साल में 1 प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको कम्प्लीटली अच्छे से बनाते हैं, फिर उसको लीज आउट करते हैं, फिर उसको सेल आउट करते हैं और उसके बाद भी उस प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस में बने रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना जो एक बेनिफिट है वो लगा रहता है और जब वो प्रॉपर्टी खाली होती है तो फिर से उसको रिलीज भी करते हैं। जसोला में इनके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो भी पूरी तरह से लीज आउट है, वहीं पर इनका अपना भी ऑफिस है, तो वहाँ पर भी अच्छे टेनेंट्स हैं इनके पास। सेक्टर 58 में इनके 2 कमर्शियल टावर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट
60 to 70% लीज आउट हो चुके हैं, जबकि उसका OCI में सिर्फ 1.5 से 2 साल ही हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लीजिंग के मामले में दे आर वेरी गुड। इसके साथ साथ ही इनका नोएडा के अंदर भी एक 10 से 12 एकड़ का एक काफ़ी बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने 25 से 30% माल बेच दिया है और उसका कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ भी और भी सिटीज़ के अंदर इनके रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी है। तो कैश रिच कंपनी है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो और जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन भी ऐसी है, अगर आप एक बार साइट देखोगे तो यू विल कम टू नो कि जो उसकी सराउंडिंग है वो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी लग्जरी सराउंडिंग है। रेजिडेंशियल कैचमेंट इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि जब भी आप रिटेल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्राइमरी सराउंडिंग क्या है, प्राइमरी कैचमेंट किस तरह की है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके जस्ट साथ में ही आपको पायनियर के 3 प्रोजेक्ट लगते हैं, पायनियर पिसीडिया, पायनियर अराया और पायनियर पार्क। साथ ही साथ कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट रिजर्व जो के अभी लॉन्च हुआ था 6-8 महीने पहले, वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, और एक अल्ट्रा लग्जरी उसमें आपको प्रॉपर्टीज मिलती है, 3 और 4 BHK अपार्टमेंट वो बिल्कुल इसके साथ में ही आपको लगता है। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो अदानी समसारा विलासा बिरला नव्या कॉन्शियंट की ही एक और टाउनशिप लगती है, धूत की एक टाउनशिप लगती है। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो राइट एंड लेफ्ट में आपको स्मार्ट वर्ल्ड का जो 25 एकड़ का लो राइज आया था वो आता है, फिर कॉन्शियंट हाइंस आता है, महिंद्रा लुमिनियर आता है, गोल्फ एस्टेट आता है, आपको ट्रम्प टावर आता है, DLF द आर्बर आता है। तो ये जो सारी आपके हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके 1 से 1.5 किलोमीटर के विसिनिटी में है, जो कि किसी भी रिटेल प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी रिटेल ब्रांड के लिए प्राइमरी कैचमेंट होता है। तो जितना भी यहाँ पे प्राइमरी कैचमेंट है, HNI आपको प्राइमरी कैचमेंट मिलता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ रिटेल ब्रांड। बात करें हम इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको ग्राउंड और फर्स्ट पे रिटेल स्पेस मिलता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे आपको मिलती है स्टिल्ट पार्किंग का एरिया, उसके बाद 7th फ्लोर का आपको मिलता है ऑफिस स्पेस। जितना भी ऑफिस स्पेस है बिल्डर ने अपने पास ही रिटेन किया है, उसको ये पहले लीज आउट करेगा, उसके बाद इसको एज ए प्री रेंटेड मार्केट में सेल आउट करेगा। अब इस प्रोजेक्ट में अगर आप बिल्डर का इंटेंशन देखें तो बिल्डर का इंटेंशन इसमें माल को बेच के पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रॉपर्टी को क्रिएट करना है जो मार्केट में एक अच्छा नाम बनाए, एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाए। आप देखोगे तो जो 3 फ्लोर है टॉप के, सेकंड थर्ड और फोर्थ, जिसमें के मैक्सिमम रिटेल ब्रांड्स में आप फूड कोर्ट रेस्टोरेंट स्पेसेस और मल्टीप्लेक्स देखते हैं, उतने इम्पोर्टेंट एरिया को इसने स्ट्रीट पार्किंग के उसमें चेंज कर दिया। तो बिल्डर कहीं ना कहीं ये सोच रहा है, ये जानता है कि गुड़गांव के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी ब्रांड को जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाते हो, वो चाहे रिटेल ब्रांड हो चाहे ऑफिस स्पेस है, वो है पार्किंग की समस्या। गुड़गांव के आप किसी भी कमर्शियल में जाइए, किसी भी रिटेल प्रोजेक्ट में जाइए, पार्किंग की बहुत ही बड़ी समस्या है, आपको पार्किंग एरिया नहीं मिलता। 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस जब बिल्डर बेचता है तो उसके साथ एक कार पार्किंग देता है, लेकिन अगर आप ऐसे एक अंदाज़ा लगाइए तो 1000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में आपको 8 से 10 सीटिंग मिलती है, और हर ऑफिस में 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, आपको पार्किंग एक मिली, आपके पास गाड़ियाँ हैं 4, तो आप गाड़ियाँ कहाँ लगाओगे। और ऑलमोस्ट हर कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ये प्रॉब्लम है, जिसको कहीं ना कहीं कैटर करने की कोशिश की है स्प्लेंडर ने। 3 फ्लोर की आपको स्टिल्ट पार्किंग मिलती है, 2 फ्लोर की आपको बेसमेंट में मिलती है। तो एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे टोटल फ्लोर आपके अगर वर्किंग फ्लोर देखूं तो 9 फ्लोर वर्किंग है और उसमें 5 फ्लोर की आपको पार्किंग दी है। तो मेरे हिसाब से जो भी टेनेंट इस बिल्डिंग के अंदर आएगा और जितने भी बायर्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, उनके लिए एम्पल पार्किंग स्पेस इसके अंदर मिलता है। तो बिल्डर का इंटेंशन इसमें डेफिनेटली लीज आउट करने का है, ऐसा नहीं है कि लीजिंग गारंटी दे दी, प्रोजेक्ट बेचा और उसके बाद खुद निकल ली, जैसा कि बाकी बिल्डर के केसेस में होता है, ऐसा इसमें नहीं है। और वही रीज़न है कि अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 15 से 16 ब्रांड्स इसके अंदर साइन हो चुके हैं और अच्छे रेंटल पे साइन हुए। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू शेयरिंग ये देंगे वो देंगे, जैसा कि नॉर्मली दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर हुआ है, इसमें प्रॉपर रेंटल मिला है। और वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा कि कौन कौन से ब्रांड कहाँ कहाँ पे आए हैं। एक ब्रांड है जिसने 5000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया है, काफ़ी अच्छे रेंटल पे वो आया है। स्टारबक्स ने पूरे का पूरा एक टावर ही ले लिया है। क्रोमा के साथ भी इनकी काफ़ी एडवांस लेवल पे बात चल रही है। एक गेमिंग कंपनी है, वर्ल्ड के टॉप 5 में से एक टेनेंट है, जो कि 50 से 60 हज़ार स्क्वायर फीट के लिए इनकी बात चल रही है, बड़े ही सीरियस नोट पर बात चल रही है।
उसके पीछे रीजन दो है, एक तो लोकेशन बहुत अच्छी है और दूसरा बिल्डर का जो इंटेंशन है फॉर लीजिंग आउट द प्रॉपर्टी दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्डर चाहता है कि यार ये प्रॉपर्टी लीज आउट करनी है, और लीज आउट ही नहीं करनी है, ऐसे ब्रांड्स को लीज आउट करनी है जो कि वहां पे काफी टाइम तक सस्टेन कर सके। क्योंकि अगर आप मार्केट्स को एनालाइज करो तो जो ब्रांड एक मार्केट में एक शॉप में लंबे टाइम तक लंबे पीरियड के लिए सस्टेन करता है उस प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन आता कंपेयर टू अ मार्केट जहाँ पे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा शफल करते हैं। आपको एग्जांपल दूंगा सेक्टर 70 में रीच 3 रोड्स करके एक मार्केट है जिसको लीज आउट करने में 2.5 से 3 साल लगे, लेकिन आज उस मार्केट के अंदर ऐसा ब्रांड है जो कि अगले 9 से 12 साल तक हिलेगा भी नहीं। उस तरह के ब्रांड्स बिल्डर ने उसमें चूज करके चढ़ाए हैं। तो लॉन्ग रन में हमने यही देखा है, 12-15 साल से कमर्शियल बेच रहा हूँ तो मैंने यही देखा है कि ब्रांड को मार्केट कितनी थीम बेस्ड है, कितनी सुंदर दिख रही है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। उसको मतलब होता है कि उसकी लोकेशन कैसी है, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कैसी है, क्योंकि मेंटेनेंस हैज़ टू बी ए ग्रेट, क्योंकि जितनी अच्छी मेंटेनेंस होगी प्रॉपर्टी आपकी उतनी अच्छी दिखेगी और ब्रांड वहाँ पे सस्टेन कर जाएगा। दूसरा उसकी विजिबिलिटी कैसी है, ब्रांड विजिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सारे ब्रांड्स ऐसे नहीं हैं जिनको कि पूरी दुनिया जानती हो, जिनकी ऑनलाइन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको ब्रांड अवेयरनेस अपने प्रॉपर्टी के अंदर चाहिए होती है, उनको ऐसी दुकान चाहिए होती है जहाँ से उनकी प्रॉपर्टी दिख सके। तो जब इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं ना तो स्प्लेंडर एबिटो में बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी निकल कर आती है। और जो अच्छी बात इसमें मुझे लगी वो है इनका जो मार्केट आपके आसपास है, जो मार्केट प्राइस है जो सराउंडिंग में रिटेल का, उससे कम से कम 25 से 3% आपको नीचे मिलती है। आसपास अगर आप रेट पता करोगे तो 50,000 से लेकर 65,000 आपका ग्राउंड फ्लोर पे फ्रंट फेसिंग शॉप्स का रेट है गुड़गांव के अंदर एक्सटेंशन रोड पर, लेकिन यहाँ पर आपको दुकान मिल जाती है 45,000 के आसपास में, तो विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस। इस मार्केट में अगर आप 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट पे एक दुकान खरीदते हैं और पड़ोस में ही आपके किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपको दुकान मिल रही है 55,000 पे या 60,000 पे, तो 10 से 15,000 रुपये का बेनिफिट तो आप वैसे भी ले जा रहे हो। और साथ में बिल्डर आपको इसमें लीजिंग गारंटी भी दे रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपको लीज करवा के दूंगा और एक पर्टिकुलर अमाउंट भी सेट किया हुआ है जिस पे वो लीज करेगा। उससे हो सकता है 10 रुपये ऊपर नीचे रहे, वो हमेशा रहेगा, लेकिन उस रेट के आसपास, उस प्राइस के आसपास वो कहीं ना कहीं आपको खींच के ले आएगा। तो जब जहाँ पे बिल्डर इतना एग्रेसिवली लीज पे लगा पड़ा है और मार्केट रेट से नीचे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आई थिंक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट स्प्लेंडर एपिटोम मेक्स अ परफेक्ट सेंस। लोकेशन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर गोल्फ कोर्स रोड के बाद सबसे ज़्यादा लीजिंग हुई है कमर्शियल लीजिंग में। अगर आप पिछले 3-4 साल का आंकड़ा निकाल के देखोगे तो जितने भी टेनेंट, जितनी भी लीजिंग गुड़गांव के अंदर हुई है उसकी 70-80% लीजिंग अकेले गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हुई है। तो इतनी ज़बरदस्त डिमांड है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। रेजिडेंशियल आप उठा के दीजिए देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है 20,000 22,000 पर स्क्वायर फिट के नीचे कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। आप सोचिए कि आने वाले टाइम में यहाँ की जो जेंट्री है वो कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। तो इस लोकेशन पे अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्प्लेंडर एपिटोम मेक्स अ परफेक्ट सेंस। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस कमर्शियल अपॉर्चुनिटी। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।